तीसरे दिन भी लगातार छापेमारी का दौर जारी है। त्योहारों के मद्देनजर हो रही लगातार छापेमारी, जिसमें सीतापुर के लोग सिंघम का अवतार के रूप में सीओ सिटी योगेंद्र सिंह को बता रहे हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में त्योहारों के मद्देनजर सीओ सिटी योगेंद्र सिंह लगातार छापेमारी करते दिख रहे हैं, जहां तीसरे दिन भी बड़ी कामयाबी मिली है। दो दिन से लगातार पकड़ी जा रही अवैध जहरीली शराब पकड़ी जा रही है, वहीं आज मानक से ज़्यादा पकड़ी गई। दो जगह बारूद व आतिशबाजी भी बरामद की है। शहर कोतवाली क्षेत्र में दो जगह छापेमारी की गई, जहां पर मिली मानक से अधिक बारूद व आतिशबाजी। त्योहारों में बेचने की हो रही थी इसकी तैयारी। सूचना मिलते ही तत्काल सीओसीटी ने कार्रवाई करते हुए बारूद व आतिशबाजी सील कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। मिली जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र मंसूरपुर के क्रॉसिंग के पास एक दुकान व मुंशीगंज के एक दुकान में हुई छापेमारी में ये सामान बरामद किया है। यहाँ पे छापेमारी की है, दोनों जगह पे जो इनका मानक है, मानक से ज़्यादा बारूद पाया गया है, तो उनके खिलाफ अभी की कार्रवाई की। अब एग्जैक्ट तो क्योंकि हम कॉल नहीं कर सकते हैं उनका, तो लेकिन मानक से ज़्यादा। क्या कार्रवाई की जा रही है आपके? अब वो दुकान वहाँ पे सामान पूरा निकाल के सील कर दिया गया, वही कार्रवाई यहाँ पे। सीतापुर से दीपेंद्र यादव की रिपोर्ट।